अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ डॉक्टर अहद इस्माइल एंड आई एम करंटली वर्किंग इन लाहौर जनरल हॉस्पिटल एज ए जूनियर डॉक्टर। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोग स्पाइनल एनेस्थीसिया कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो वो लोग जो मेरे इस चैनल पर न्यू हैं, काइंडली जस्ट सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड गिव्स अ बिग थम्स अप। बिफोर वेस्टिंग द टाइम लेट्स बिगिन। सो गाइस, सबसे पहले आपने पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में बिठाना होता है एंड देन आप एक पोजीशन मार्क कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द एंटीरियर इलिक स्पाइन क्रस्ट के हिसाब से। फिर आप लोकल इंजेक्शन लगाने के बाद आप एलपी नीडल जो कि 25 एमएम की होती है, आप उसकी मदद से उस स्पेस में प्रिक करते हैं। और प्रिक करते वक्त आपने वो सारे स्ट्रक्चर्स जो लिगामेंट्स वगैरह आते हैं वो आपने क्रॉस करके आपने सब एरेक्नॉइड स्पेस तक जाना होता है। और आपकी जो एलपी नीडल है इसकी पोजीशन जो है वो सीधी होनी चाहिए, ठीक है, वो बेंड ना हो। देन इसकी कन्फर्मेशन क्या होती है कि सब एरेक्नॉइड स्पेस में जाने के बाद आपका सीएसएफ फ्लूड जो है वो ये आना शुरू हो जाता है। और जैसे ही आपका सीएसएफ फ्लूड आता है तो आप जो स्पाइनल एनेस्थीसिया है जिसको हम 1.4 ml हमने लिया है बुपिवाकिन, वो हम लोग पहले नेगेटिव एस्पायरेट करते हैं। ये देखें, नेगेटिव एस्पायरेट करेंगे जस्ट टू कंफर्म कि हमारा अंदर से सीएसएफ फ्लूड आ रहा है। देन हम स्लोली स्लोली इसको इंजेक्ट करते हैं एंड हम इसको दो दफ़ा नेगेटिव एस्पायरेट करते हैं, ठीक है। एंड राइट आफ्टर डैट हम पेशेंट को फिर फ़ौरन लिटा देते हैं।